भीतर से परमात्मा को पुकारने का प्रयास है। आए एक तत्व मैं प्रियंका मनीष पाठक नरसिंहपुर से आए हैं। प्रियंका मनीष पाठक नरसिंहपुर से आए हैं। कहीं हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो जिस पंडाल में हो, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर पीछे मंदिर प्रांगण में कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। मैं प्रियंका मनीष पाठक नरसिंहपुर की रहने वाली हूँ। पिछले वर्ष 22-2 में जो रुद्राक्ष वितरण कथा हुई थी उसमें हम लोग 18 तारीख को रिजर्वेशन था, लेकिन लोगों के कहने पर हमको लगा कि भीड़ ज्यादा है तो हम रिजर्वेशन कैंसिल करा दिए और हम किराए की गाड़ी कर यहाँ आए। किराए की गाड़ी कर आए। इतना ट्रैफिक जाम था कि किराए की गाड़ी वाला हम पर चिल्ला चोट करने लगा और कहने लगा हम आगे नहीं जा सकते, हम तुम्हें लेकर नहीं जा सकते और तुम्हारा जितने दिन खड़ी है गाड़ी उतना चार्ज लगेगा। हम लोग साधारण परिवार से गुरुदेव, हमारे पास में इतना धन नहीं था, पर मोहल्ले के लोगों ने थोड़ा सा धन इकट्ठा कर किराए की गाड़ी खरी थी और नरसिंहपुर से हम सीहोरा गए। गाड़ी में बैठे रहे हम कथा स्थल तक भी नहीं पहुंचे। हमारा गाड़ी वाला इतना चिल्ला चोट करने लगा कि दिल टूट गया। हम गाड़ी में से नीचे उतरे, रोड पर हमने कुबेर भंडारी की ओर मुख करा और कुबेरेश्वर महादेव से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर थे और हमने बाबा को यहाँ से प्रणाम कर कहा बाबा ये गाड़ी वाला बहुत चिल्ला रहा है, हमको वापिस जाना होगा नरसिंहपुर, आप आपको प्रणाम करती हूँ, तेरी भूमि पर बुलाना ना मेरे को, तब खुद की गाड़ी से बुलाना, मेरी सामर्थ्यता नहीं है एक साइकिल भी खरीदने की, मेरे पास धन नहीं कि मैं साइकिल खरीदूं और ना मेरे परिवार में इतना धन है, पर फोर व्हीलर भी दिलाएगा तो तू दिलाएगा। आज लौट कर जा रही हूँ, अगली बार जब रुद्राक्ष उत्सव में आऊंगी तो खुद की गाड़ी से आना चाहिए, तो मानूंगी कि तू कुबेरेश्वर महादेव है, मैं तुझे मानूंगी कि तू कुबेरेश्वर महादेव है। गुरुदेव मैं यहाँ से गई आंख में आंसू भर कर वापिस घर पहुंच गई। दुनिया के लोगों ने बहुत डराया मत जाओ वहां लोग ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, पर मेरे बाबा को मैं प्रणाम कर गई थी बाबा और 6 महीने भी नहीं हुए और मेरे बाबा ने मुझे गाड़ी दिला दी। आज मैं अपनी फोर व्हीलर गाड़ी से ड्राइवर के साथ लेकर कथा सुनने के लिए ये शिव है शंभू है। एक बार जो कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र कथा में रुद्राक्ष उत्सव में पहुंचता है वो क्या देखता है उसको बाद में मालूम पड़ता है, क्या महसूस करता है उसको बाद में मालूम पड़ेगा कि उसको सुख क्या है आनंद क्या है।